हाय, वेलकम बैक। सर्वे के आज के स्टार्ट में क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एरर के टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 16 में पूछा है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं स्टेप मेथड से और डाउन हिल मेजर कर रहे हैं, अगर स्लोप में चेंज होगा तो बेटर एक्यूरेसी के लिए हम तो एक स्टेप में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ये मेथड ऑफ स्टेपिंग का डायग्राम जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था उसके बारे में। अभी पूछा है स्लोप के रिगार्डिंग, तो जैसे कि स्लोप फॉर एग्जांपल स्टीप हो गया, इंक्रीज हो गया स्लोप, और पहले इनिशियली ये वाला सब स्लोप का ग्राउंड का, इसके बाद अभी ये ग्राउंड का स्लोप हो गया। इस केस में अगर सेम एलिवेंट डिस्टेंस हम मेजर करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई पर्सन है और उसको वो टेप पकड़ के रखनी है, वो इस लेवल पे पकड़ के रखनी है। आप देख रहे हैं कि वर्टिकल वाली डिस्टेंस जो पहले इतनी थी, दिस मीन्स जो पर्सन है, जो लीडर है, वो कंफर्टेबली पकड़ के रख सकता था टेप को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। बट अगर ये वर्टिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उस केस में उतना एक्यूरेटली हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे टेप को पकड़ के नहीं रखा जा सकता। तो इसलिए अगर स्लोप इंक्रीज होता है तो उस केस में डिस्टेंस हमें डिक्रीज करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो पोजिशन होगी ये तो होगी पर्सन की हाइट के अकॉर्डिंग कि वो किस लेवल पे कंफर्टेबली पकड़ के रख सकता है टेप को, किस हॉरिजॉन्टल लेवल पे। अब अगर स्लोप इतना है और इतनी वर्टिकल डिस्टेंस में पर्सन कंफर्टेबली है तो फिर हम इतनी ये वाली डिस्टेंस ही मेजर कर पाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई खड़ा है और उसको टेप पकड़ के रखनी है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और अनकन्वीनियंट हो जाएगा और दूसरा एक्यूरेसी नहीं रह पाएगी। तो यहाँ पे अगर स्लोप इंक्रीज किया तो डिस्टेंस डिक्रीज होती है, और स्लोप अगर डिक्रीज करें, जैसे कि स्लोप यहाँ पे डिक्रीज कर दिया जाए, ये वाला स्लोप यहाँ पे हो जाए फ्लैट स्लोप है ये पहले वाले से, तो इस केस में आप L1 से ज़्यादा डिस्टेंस में मेजर कर सकते हैं कि टेप इस तरीके से पकड़ के रखनी है। अगर इतनी डिस्टेंस में पर्सन कंफर्टेबल है तो वो L1 से ग्रेटर डिस्टेंस मेजर कर पा रहा है एक सिंगल स्टेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। यहाँ पे गिवन है कि एक 30 मीटर चैन है, 30 मीटर लेंथ की चैन है, और उससे हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं थीटा डिग्री के स्लोप पे, तो करेक्शन जो अप्लाई करेंगे वो कितना होगा। ये क्वेश्चन है, ये हाइपोटेनस अलाउंस के टॉपिक का क्वेश्चन है, जिसमें क्या होता है कि हम जब डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, जैसे कि डिस्टेंस हमने हमें यहाँ पे मेजर करनी है, हमारा पर्पज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस BC मेजर करने का, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम टेप या चैन जो है उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ग्राउंड सरफेस है वो स्लोपिंग है। यहाँ पे हम करेक्शन जो अप्लाई करते हैं वो मेजर करते टाइम ही करेक्शन अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि BC जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो इक्वल होगी BA' इंक्लाइन वाले डिस्टेंस के। तो जब आप मेजर कर रहे हो ये वाली डिस्टेंस स्लोप के अकॉर्डिंग डिस्टेंस, तो उस केस में BA मेजर करने के बजाय BA' मेजर करोगे, जैसे कि एक 30 मीटर चैन है और उससे आप मेजर कर रहे हो, तो ये वाला डिस्टेंस 30 मीटर होगा, ये वाला डिस्टेंस भी 30 मीटर होगा। हमने यहाँ पे जस्ट एक आर्क बनाते हुए यहाँ पे पॉइंट मार्क किया है एक, बट हमें BA नहीं BA' मेजर करना है, क्योंकि स्लोप के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी, तो हम जो करेक्शन था उसको मेजर करते टाइम ही अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे BA' जो होगा वो इक्वल होगा BA प्लस AA', तो BA तो हमें पता है 30 मीटर की चैन है तो 30 मीटर होगा, AA' को हमें कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस है वो थीटा है। यहाँ पे अगर हम बाहर वाले ट्रायंगल को कंसीडर करें CBA' को, और ये वाला एंगल अगर थीटा है तो cos थीटा इक्वल होगा BC/BA' के, और यहाँ से हम BA' निकाल सकते हैं जो कि इक्वल होगा BC sec थीटा, और BA' है वो BC sec थीटा। यहाँ से हम AA' कैलकुलेट कर लेंगे जो होगा BA' - BA, BA' है वो BC sec थीटा है, BC है 30, तो ये हो गया 30 sec थीटा माइनस BA की वैल्यू 30 है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा, पर टेप जो करेक्शन होगा वो 30 sec थीटा -30 होगा। क्वेश्चन 18 में स्लोप करेक्शन अप्लाई करना है एक 30 मीटर लेंथ के लिए
और ग्रेडियंट जो है स्लोप है वो 1 in 20 है। 1 in 20 मीन्स अगर 20 हम हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं तो वर्टिकल वाली जो डिस्टेंस होगी वो 1 होगी। स्लोप करेक्शन निकालने के लिए जो प्रोसीजर होता है उसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि ये लेंथ एल है, आपको मेजर करनी थी ये वाली डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें मेजर करनी होती है, पर ग्राउंड स्लोप था ग्राउंड में, तो आपने ये वाली डिस्टेंस मेजर कर ली। अब आपको करेक्शन करके इस एल को कन्वर्ट करना है इस हॉरिजॉन्टल वाले डिस्टेंस में, तो करेक्शन होगा वो एल में से हम उधर वाला जो हॉरिजॉन्टल वाला डिस्टेंस है वो रिड्यूस कर देंगे तो करेक्शन आ जाएगा। और जो हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस, अगर ये एल है, एच है, ये एल है, तो हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से होगी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का रूट। तो हमें बेसिकली निकालना है एल माइनस एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का रूट, इनका डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे हम फिर एल को बाहर ले लेंगे तो ये 1 माइनस एच स्क्वायर एल स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 आ गया, और 1 प्लस x रेज टू पावर n का फॉर्मूला होता है 1 प्लस nx प्लस n n-1 x स्क्वायर/2। इस तरीके से फर्दर टर्म्स आते हैं, तो इस फॉर्मूले से हम इसको एक्सपेंड करेंगे, बट ये वाले जो टर्म्स हम इनको कैंसिल कर देंगे क्योंकि जो h है वो काफी छोटा है l के कंपेरेटिवली, तो h अपॉन l की वैल्यू काफी कम होगी, और अगर आप उसका स्क्वायर करते हो या उसकी रेज टू पावर 4 करते हो तो और भी छोटी वैल्यू हो जाएगी। इस आगे वाले टर्म्स को हम इग्नोर कर देते हैं। ये फॉर्मूले डायरेक्टली आप रख भी सकते हो, नहीं भी रखो तो इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप उस टाइम भी डिराइव कर सकते हो फटाफट से लीनियर वाले फॉर्मूले से। एल यहाँ पे ये आ जाएगा 1 माइनस h स्क्वायर l स्क्वायर इंटू पावर n/2। ये प्लस की जगह माइनस आया क्योंकि यहाँ पे हमारा साइन है वो माइनस है, आगे की टर्म्स को हम कर देंगे इग्नोर, तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे। अब यहाँ से ये करोगे तो आप आ जाएगा ये एच स्क्वायर अपॉन 2l, l से l कैंसिल हो गया, ये l अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एच स्क्वायर अपॉन 2l आ जाएगा। अगर h लेंथ है, h वर्टिकल डिस्टेंस है, l हॉरिजॉन्टल लेंथ है, तो करेक्शन होता है वो एच स्क्वायर अपॉन 2l होता है, चाहे तो आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। अब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करके करेक्शन फाइंड आउट करना है। अब हमें h फाइंड आउट करना है, l हमें पता है, जो कि l यहाँ पे क्वेश्चन में है वो 30 मीटर है और स्लोप है वो 1 इन 20 है। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको ये डिस्टेंस पता होती, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस l डैश है, अगर ये पता होती तो डायरेक्टली h कैलकुलेट कर सकते थे। अगर ये डिस्टेंस 20 मीटर है हॉरिजॉन्टल वाली तो वर्टिकल वाली 1 होगी, अगर 1 है तो 1/20 होगी, और अगर हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस l डैश है तो ये होगा 1/20 इंटू l डैश, और एल डेस जो होगा वो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम कैलकुलेट करें तो होगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का रूट। तो यहां से एच कैलकुलेट हो जाएगा और उस एच को हम इस फॉर्मूले में रख के करेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक बेनिफिट है, जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम होते हैं, उनमें आप एल और एल डेस को इक्वल भी लो तो भी आपका आंसर मैच कर जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन है वो इसी हिसाब से डिजाइन होते हैं, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो आप स्टार्टिंग से ही लेके चल सकते हो कि 30 मीटर है, तो आप इसको भी 30 मीटर अज्यूम कर लो। इनमें डिफरेंस होगा ऑब्वियसली, बट वो डिफरेंस काफी छोटा सा होगा इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। जो इंक्लाइंड वाली डिस्टेंस है उसी से हम डायरेक्टली एच कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्यूरेट नहीं है ये, बट इतनी एक्यूरेसी इसमें रहेगी कि आपका आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के लिए बस। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अब निकाल लेते हैं, अगर 20 मीटर है तो स्लोप जो वर्टिकल डिस्टेंस 1 मीटर होगा, और 1 के लिए वर्टिकल डिस्टेंस 1/20 होगा, एच जो है ये एल है ये एच है, और 30 मीटर के लिए होगा मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये आ गया 1.5, एच की वैल्यू आ गई 1.5, तो 1.5 × 1.5/2 × 30 आंसर गिवन है 7 में, तो हम सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो गया, ये पॉइंट से ये 10 कैंसिल आउट हो गया, और ये बचेगा ऊपर, ये 3 से ये हो गया 5, तो ये आ गया 7.5/2, 7.5/2, तो आंसर हो जाएगा 3.75 सेंटीमीटर। तो आप जो इंक्लाइन डिस्टेंस है उसी को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अज्यूम करते हुए कैलकुलेट कर सकते हो, कोई ज्यादा एरर नहीं आएगी, कोई इशू नहीं होगा कैलकुलेशन में। क्वेश्चन 19 में पूछा है कि कोई एरर है किसी चेन में और उससे हमने एक डिस्टेंस मेजर कर ली,
जो कि ऑब्जर्व डिस्टेंस है, इससे हमें करेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो कि है जो ट्रू और डेजिग्नेटेड जो लेंथ होगी, जैसे कि एक 30 मीटर की चैन है तो उसकी डेजिग्नेटेड लेंथ होगी 30 मीटर, तो लेंथ डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चैन मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन, जो कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना करेक्ट डिस्टेंस, विल बी इक्वल टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चैन या एरेनियस लेंथ ऑफ चैन मल्टीप्लाई बाय ऑब्जर्व्ड लेंथ ऑफ लाइन। ऑब्जर्व्ड हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है ये एक्चुअल और ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, तो ये इक्वल हो जाएगा एरेनियस लेंथ ये इंटू ऑब्जर्व्ड लेंथ डिवाइडेड बाय ट्रू और डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चैन, जो कि यहाँ पे गिवन है ऑप्शन ए में। ट्रू वाले को मल्टीप्लाई करोगे वो इक्वल होगा ऑब्जर्व्ड वाला जो कि इनएक्यूरेट है, और जो चैन की इनकरेक्ट लेंथ है उसके मल्टीप्लाई के। इजी है फॉर्मूला, याद रखना, आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 20 में पूछा है कि 30 मीटर की कोई चैन है और वो डाइवर्ज हो रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी से अपने जो करेक्ट अलाइनमेंट से, तो इस केस में जो एरर होगी वो कितनी होगी? यहाँ पे ऐसा है कि ये करेक्ट अलाइनमेंट था, यहाँ से हमें मेजर करनी थी इस पॉइंट की डिस्टेंस, बट अलाइनमेंट है वो डाइवर्ज हो गया, कितना हुआ परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस, तो यहाँ के बजाय इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस मेजर कर लेगी जो कि है ये वाली डिस्टेंस, मेजर की ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी ये वाली डिस्टेंस, तो है तो ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के रिगार्डिंग, बट यहाँ पे फॉर्मूला वो सेम रहेगा जो कि वर्टिकल वाले में था कि स्लोपिंग में डिस्टेंस में हमने मेजर करनी थी, हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस हमें मेजर करनी थी, क्योंकि हम देखें तो ऐसा ही डायग्राम बनना, उसमें क्या हो रहा था ये वाली डिस्टेंस मेजर करनी थी और जो मेजर करी थी ये वाली कर ली थी, और ये वाली जो वर्टिकल डिस्टेंस थी वो एच थी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 18 में हमने डिस्कस किया था, फाइंड आउट किया था, वो था एच स्क्वायर अपॉन 2l, तो वही फॉर्मूला अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर इंटू 2l, क्योंकि यहाँ पे सेम ट्राइंगल बन रहा है, इंक्लाइंड वाली डिस्टेंस मेजर करनी है, हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस को मेजर करना था जो कि हमें कैलकुलेट करना है, करेक्शन अप्लाई करना है, सॉरी करेक्शन को कैलकुलेट करना है, तो डी स्क्वायर अपॉन 2l, एल की वैल्यू रखेंगे 30, तो आंसर आ जाएगा डी स्क्वायर बाई 60, जो कि गिवन है ऑप्शन ए में डी स्क्वायर बाई 60। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 में वही फॉर्मूला है जो कि हमने क्वेश्चन 18 में डिराइव किया था, एच स्क्वायर अपॉन 2l। यहाँ पे भी सेम केस है कि एच डिफरेंस है हाइट में, दो एंड पॉइंट है, एक ये एंड पॉइंट है एक ये एंड पॉइंट है, तो दोनों के बीच की हाइट का जो वर्टिकल डिफरेंस है वो एच है, और लेंथ है वो चैन की जो लेंथ है वो एल है, तो स्लोप का करेक्शन क्या होगा, वो क्या होगा, तो स्लोप का करेक्शन इस केस में होता था एच स्क्वायर अपॉन 2l, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 में भी स्लोप का करेक्शन पूछा है कि एक लेंथ ऑफ चैन है वो एल है और वो स्लोप थीटा पे हमने डिस्टेंस मेजर कर ली, रिक्वायर्ड स्लोप करेक्शन होगा वो क्या होगा, तो थीटा की टर्म में अगर हम कैलकुलेट करें करेक्शन, तो ये डिस्टेंस एल है तो हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस होगी एल कॉस थीटा और इनका डिफरेंस होगा वो करेक्शन, तो करेक्शन यहाँ पे हो जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा, और ध्यान दिए करेक्शन ये सब्ट्रैक्टिव है, जो एल की वैल्यू आएगी उसमें ये जो करेक्शन है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस मिलेगी, एल बाहर आ जाएगा अंदर बचेगा 1 माइनस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin² θ/2, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2l sin² θ/2, जो कि गिवन है ऑप्शन बी में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, यहाँ पे गिवन है कि एक एल लेंथ की चैन है जिसका वेट है वो W kg/m है और वो सस्पेंडेड है एट इट्स एंड विथ ए पुल ऑफ 5 pkg, तो पी के जी का ये जो है ये चैन है, ये वाली चैन है, और इसको अपने पुल कर रहे हो इधर पी से, और ये खुद के वेट के कारण सैग होना चाहिए और पुल लगा के हम उस सैग को कम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे करेक्शन पूछा गया है सैग का करेक्शन, तो सैग का जो करेक्शन होता है उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल W टोटल वेट का स्क्वायर इंटू एल अपॉन 24 पी स्क्वायर, पी यहाँ पे पुल है, W है ध्यान रखना वो टोटल वेट है,
फॉर्मूला इसी फॉर्म में याद रख लो, इजी पड़ेगा। आप अगर इस फॉर्म में दिया गिवन है केजी पर मीटर में, तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो। अब टोटल वेट इक्वल हो जाएगा केजी पर मीटर का जो वेट है, यहाँ पे गिवन डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई एल, तो डब्ल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन 24 P² या आ जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 24 P² जो कि यहाँ पे गिवन है ऑप्शन ए में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्टली इस ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला याद रखना ज्यादा इजी पड़ेगा। ऊपर भी डब्ल्यू का स्क्वायर है, नीचे पी का स्क्वायर है, दोनों वेट के हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और करेक्शन जो आएगा वो लेंथ की फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, तो उसी टॉपिक का है जो कि हमने क्वेश्चन 17 में डिस्कस किया था, हाइपोटेनस अलाउंस का। यहाँ पे जो फॉर्मूला करेक्शन यहाँ पे पूछा गया है वो लिंक्स की फॉर्म में पूछा गया है। वहां पे हमने लेंथ के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट किया था जो था एल सेक थीटा माइनस वन। यहाँ पे लिंक्स की फॉर्म में आई थिंक इसलिए गिवन है कि कहीं पे पूरी लेंथ एल यूज नहीं हो रही है, जैसे कि ये इधर हाइपोटेनस के अलोंग आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो और यहाँ पे 30 लिंक्स ही यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस कम है और 30 लिंक्स ही यूज कर रहे हो रहे हैं। यहाँ पे 30 लिंक्स जितने ही लेंथ है, उस केस में अलाउंस निकालने के लिए अगर लिंक का फॉर्मूला होगा तो डायरेक्टली हमें लिंक की फॉर्म में मिल जाएगा अलाउंस। जो अलाउंस था ए ए डेस, ये डायरेक्टली लिंक की फॉर्म में आ जाएगा, तो इसलिए मेजर करना आसान रहेगा। करेक्शन जो फील्ड में हम अप्लाई करते हैं वो आसान रहेगा। तो बस एल की जगह यहाँ पे लिंक रख दे रहे हैं 100, तो ये हो गया 100 से थीटा माइनस वन। थीटा की जगह यहाँ पे गिवन है इसमें एल्फा, और ये एल्फा है वो डिग्री में है, तो हम लिख देते हैं 100 सेक एल्फा माइनस वन। इसके बाद यहाँ पे सेक थीटा को एक्सपैंड कर देंगे। सेक थीटा का एक फॉर्मूला होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू दिस, और इसमें आगे भी टर्म्स होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर दिया जाता है, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाती है, और ये तब एप्लीकेबल होगा जब थीटा है वो रेडियन में है। थीटा डिग्री में है तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये चेंज हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि सेक थीटा का एक्सपेंशन का फॉर्मूला याद रखोगे उसके बाद कैलकुलेट करोगे, देन रेडियंस में तो फिर भी इजी है कि फॉर्मूला याद रख भी लिए, इनिशियल दो स्टेप यूज हो रहे हैं, आपने याद रख लिया अप्लाई कर दिया। बट अगर रेडियन की फॉर्म में नहीं है, डिग्री की फॉर्म में है, तो ये वाला फॉर्मूला काफी कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। तो इसके बजाय डायरेक्टली याद रख लो, अगर ये डिग्री में है तो ये होता है 1.5, थीटा की जगह अल्फा रख देते हैं, यहाँ पे अल्फा हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है, अपॉन 100 लिंक्स। ये करेक्शन होगा, ये इतने लिंक्स होंगे जहाँ पे अल्फा है वो डिग्री में है, तो हमारे क्वेश्चन में भी अल्फा डिग्री में है, तो देखेंगे ऑप्शंस तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो 1.5 अल्फा स्क्वायर अपॉन 100 ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, ये भी इसी टॉपिक से है। यहाँ पे अल्फा रेडियन में है, अल्फा रेडियन में है तो फिर थीटा का एक्सपेंशन वाला यही रहेगा, और इस केस में अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 100 लिंक, और ये यहाँ पे पुट करोगे 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2, आगे के टर्म्स को हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो काफी छोटे होंगे, क्योंकि थीटा काफी छोटा है, ये माइनस वन, तो इसको अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 100 थीटा स्क्वायर बाई 2, 100 या 100 अल्फा स्क्वायर बाई 2, जो इक्वल आप इससे ऐसे भी डायरेक्टली याद रख सकते हो 50 अल्फा स्क्वायर। तो 50 अल्फा स्क्वायर यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है, तो आंसर है वो किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, आंसर आपको ये होगा 50 अल्फा स्क्वायर। रेडियन वाले को आप चाहे तो ये फॉर्मूला के दो स्टेप याद रखिए, इससे भी याद रख सकते हो या डायरेक्टली याद रख सकते हो, बट डिग्री वाले को डायरेक्टली याद रखना ज्यादा ईजी रहेगा ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 में अगेन करेक्शन पूछा गया लिंक की फॉर्म में, और यहाँ पे गिवन है कि स्लोप है वो एन, वन यूनिट इन एन हॉरिजॉन्टल, मतलब अगर एन हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो जो वर्टिकल वाला होगा ये वन होगा। क्वेश्चन में गिवन है एक चेन जिसमें 100 लिंक है, और हमें इसके लिए करेक्शन कैलकुलेट करना है, तो करेक्शन फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें एच पता होना चाहिए इसके लिए। तो ये है, ये 100 लिंक्स है और ये वाला डिस्टेंस है वो एच है, जो कि मैं फाइंड आउट करनी है। मैंने पिछले किसी क्वेश्चन में बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस में वैसे तो एक्यूरेटली ऐसा होगा कि आप यहाँ के लिए ये इसमें यहाँ पे मेजर करो,
हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस जो कि होगी 100 का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर का रूट, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर एच कैलकुलेट करो। कैसे करोगे? अगर एन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो 1 है, और 1 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ तो वर्टिकल डिस्टेंस 1/n होगी, और अगर इतना है तो ये 100 स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का रूट होगा। बट इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको इन सब में जाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन इस हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं कि आप जो इंक्लाइंड वाली डिस्टेंस है उसी को हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस लेके भी कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा और आंसर में आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस गिवन आपने उसमें आइडेंटिफाई करना है, जस्ट एक्यूरेट एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है। और जैसे कि आपको पता है कैलकुलेटर नहीं अलाउड होता है, तो इस टाइप के कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं दिया जाता, ऑप्शन आपके दूर दूर होंगे, ज्यादा क्लोज नहीं होंगे कि आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना पड़े। तो करना क्या है, इसी 100 लिंक को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मान लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस होगा वो काफी कम होगा। अगर इससे हम निकालें तो n हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो 1 वर्टिकल डिस्टेंस है, अगर 1 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो वर्टिकल डिस्टेंस होगी 1/n, और यहाँ है हमारे 100 लिंक्स की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो ये होगी 100 लिंक्स। तो ये तो आ गया h, h इज इक्वल टू 1/n इंटू 100, और करेक्शन होता है h स्क्वायर अपॉन 2l, 2l, तो 100 अपॉन n इंटू 100 अपॉन n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से ये 2 से 50 कैंसिल आउट, ये 100 कैंसिल आउट होकर 50 बचेगा, और जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 50 अपॉन एन स्क्वायर, जो कि यहाँ पे किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, तो आंसर होगा वो 50 एन स्क्वायर होगा, यहाँ पे ऑप्शन है वो सारे रॉन्ग है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो एक्सीडेंटल और कंपनसेटिंग एरर होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। एक्सीडेंटल और कंपनसेटिंग एरर प्रोपोर्शनल होती है रूट एल के, अगर लेंथ एल है तो रूट एल के प्रोपोर्शनल होंगी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में गिवन है कि कोई ए और बी दो स्टेशन है, उन दोनों के बीच में ग्राउंड है वो फ्लैट नहीं है, वो रेज्ड है, इस टाइप से ग्राउंड सरफेस है इनके बीच में, तो विजन चैनिंग दोनों ऑब्स्ट्रक्टेड होंगी या एक ऑब्स्ट्रक्ट होगा, क्या होगा इस केस में? तो जब ए से बी पॉइंट एक्सेसिबल तो है तो चैनिंग तो की जा सकती है, आप करेक्शंस लगा सकते हो, स्लोपिंग होगा सरफेस, बट करेक्शन लगा सकते हो आप, ए से चैनिंग करते हुए डिस्टेंस मेजर करते हुए बी तक जा सकते हो, बट विजन यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टेड होगा क्योंकि ए से स्टेशन बी है वो डायरेक्टली नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, विजन गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड, चैनिंग में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। काफी बार इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि चैनिंग में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, रेंजिंग में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, किसमें होगा किसमें नहीं होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें रेंजिंग में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। जब रेंजिंग करनी है तो आपको ए और बी पॉइंट दोनों एक दूसरे से विजिबल होने चाहिए, विजिबल नहीं है तो रेंजिंग में इशू होगा। वैसे ही काफी बार ऐसा भी पूछा जाता है जैसे कि कोई रिवर बीच में आ रही है तो वो चैनिंग के लिए ऑब्स्ट्रक्शन है, रेंजिंग के लिए ऑब्स्ट्रक्शन है, दोनों के लिए ऑब्स्ट्रक्शन है, तो विजन वहाँ पे ब्लॉक नहीं हो रहा है तो रेंजिंग के लिए ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है बट चैनिंग के लिए ऑब्स्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, यहाँ पे पूछा है कि कहीं पे हमें चैन लाइन को प्रोलॉन्ग करना है, मतलब आगे बढ़ाना है, और उसमें बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, ऑब्स्ट्रक्शन है ये रेंजिंग के लिए भी हो सकता है और चैनिंग का भी हो सकता है, इस केस में हम कैसे प्रोलॉन्ग करेंगे, कौन सा मेथड हम यूज करेंगे? ए में गिवन है कि बाय मेकिंग एंगुलर मेजरमेंट्स, तो जब हम चैन सर्विंग कर रहे हैं हम कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं यूज करते हैं जिससे कि हम एंगल मेजर कर सकते हैं, हम जस्ट स्टाफ यूज करते हैं जिससे कि हम परपेंडिकुलर प्लॉट कर सकते हैं, तो ए नहीं होगा और सी भी नहीं होगा क्योंकि सी में भी एंगल मेजर करने की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, और परपेंडिकुलर की हेल्प से हम ऑब्स्ट्रक्शन अगर आ रहा है तो कैसे हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि इस डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे थे, चैन लाइन जा रही थी उस डायरेक्शन में जा रही थी, अब यहाँ पे कोई वाटर बॉडी जैसे कोई लेक या पॉन्ड आ गया, अब यहाँ पे क्या होगा कि आप अक्रॉस तो कर नहीं सकते चैनिंग, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की हेल्प से हम आगे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, यहाँ पे इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पर जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में एक लाइन डाल देंगे, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में लाइन आ जाएगी, और इसके परपेंडिकुलर डालेंगे तो वापस से पहले वाले जो डायरेक्शन थे उसी में आ जाएंगे। प्रॉब्लम थी कि हम ये वाले डिस्टेंस नहीं मेजर कर पा रहे थे वाटर बॉडी के कारण, तो ये वाले डिस्टेंस है वो इक्वल होगी इस वाले डिस्टेंस के,
अगर आप ये वाली डिस्टेंस मेजर कर लो तो नीचे वाली के इक्वल होगी, तो वो डिस्टेंस भी मेजर होगी और आप आगे भी बढ़ गए, और यहाँ से इस वाले पॉइंट पे पहुंचने के बाद तो आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो, उसी डायरेक्शन में भी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 में पूछा है कि चैन सर्वेइंग में जो टाई लाइंस होती हैं उनका क्या पर्पज होता है, हम उनको क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली टाई लाइंस उनका हम यूज करते हैं जब हमें किसी भी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को मैप पे प्लॉट करना होता है। जैसे कि एक मैप है जिसमें ये वाली लाइन है, ये बेस लाइन है, यहाँ पे अब ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको भी हम मैप पे मार्क करना चाह रहे हैं, तो हम ये वाली डिस्टेंस मेजर करेंगे और मैप में ये वाली जो लाइन होगी इसको बोला जाएगा टाई लाइन, जो कि इस ऑब्जेक्ट को मैप पे प्लॉट करने में हेल्प कर रही है हमें, उस लाइन वो लाइन है वो टाई लाइन है। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन ये भी गिवन है कि एक्यूरेसी चेक करने के लिए, एक्यूरेसी चेक करने के लिए जो लाइन होती है वो होती है चेक लाइन, जैसे कि यहाँ पे है ये चेक लाइन है। आप फील्ड में डिस्टेंस मेजर करोगे, ये मैप है, आप पहले फील्ड में डिस्टेंस मेजर करोगे इस वाले पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो ग्राउंड में पॉइंट है उसकी और इस वाले पॉइंट के बीच की ग्राउंड में डिस्टेंस मेजर करोगे, इसके बाद मैप में स्केल से मेजर करोगे। ये दोनों डिस्टेंस है वो सेम आनी चाहिए, स्केल से अगर आप कन्वर्ट कर लेते हो तो भी स्केल यूज किया है, तो ये दोनों डिस्टेंस सेम आनी चाहिए, इट मीन्स आपका जो मैप बनना है वो एक्यूरेट है। तो ये चेक लाइन होती है एक्यूरेसी मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, टू टेक ऑफसेट फॉर डिटेल सर्वे, जो भी डिटेल्स आसपास के हैं वो मेजर करने के लिए। आंसर की में आंसर गिवन है वो ऑप्शन सी है, जो कि नहीं होगा। और ए यहाँ पे जो है अगर इसका एग्जाम में पूछा जाए तो ये होती है चेक लाइन एक्यूरेसी मेजर करने के लिए। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।